हे दोस्तों, यू हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है, नवरत्न कंपनी के अंतर्गत ये आती है, उसमें कुछ वैकेंसी आई हुई है। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, उसमें कुछ वैकेंसी आई हुई है, उसकी डिटेल्स हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद ये बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी क्लिक करें। इससे फायदा ये होगा, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक पेट्रोलियम कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और एक अच्छी कंपनी है। इसमें कुछ वैकेंसी आई है तो एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी आई। ठीक है, इसमें टेक्नीशियन ऑपरेशन की और टेक्नीशियन बॉयलर की दो पोजीशंस आई हुई है इसमें। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन हम योग्यता की बात कर लेते हैं, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्नीशियन ऑपरेशन के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और टेक्नीशियन बॉयलर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी जो कितनी वैकेंसी किसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, टोटल जनरल की 23 सीट है, SC की 7 और ST की 4, OBC की 18। ठीक है, इस तरह से बैकलॉग पोजीशंस, तो बैकलॉग में जो है पुरानी वैकेंसी जो बची है वो 8 है। इस तरह से टोटल जो ऑपरेशन की है, ठीक है, टेक्नीशियन ऑपरेशन की 50 और टेक्नीशियन ऑपरेशन की टेक्नीशियन बॉयलर की जो है वो 10 सीट खाली है। इस तरह से टोटल 60 सीट जो है वो खाली है, इस पर वैकेंसी आई हुई है। इस पर एक अच्छा मौका है दोस्तों, क्योंकि कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। ठीक है, इसमें मैं सैलरी का अगर आपको बता दूं तो सैलरी इस पर है करीबन, इसकी सैलरी जो है, इसका जो कॉस्ट टू कंपनी CTC पर मंथ जो कंपनी को पड़ेगा वो 40,000 है। मतलब सब कुछ मिला करके 40,000 आपकी सैलरी नहीं है, और भी कंपनी जो और भी फैसिलिटी देती है वो सब इंक्लूड करके पर मंथ जो कंपनी को आपके ऊपर खर्चा आएगा वो 40,000 आएगा। ठीक है, तो अगर अपन सैलरी फिर भी 25-30 से तो ऊपर ही रख ले अपन सैलरी मिनिमम, ठीक है, तो 40,000 कंपनी को आपका खर्चा आएगा टोटल। ठीक है, तो ये CTC पर मंथ दिया गया है, 40,000 कंपनी आप पे खर्चा करेगी पर मंथ, उसमें आपकी सैलरी इंक्लूड रहेगी, बाकी फैसिलिटी सब कुछ रहेगी। तो सेंट्रल की जॉब है दोस्तों, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास इस पर अप्लाई करने का, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये जॉब है वो आपको हासिल करने का एक अच्छा मौका है। ठीक है, वैकेंसी की डिटेल बता दी मैंने, कितनी कौन सी डिटेल है। अब इसमें ये मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको जो परसेंटेज है वो कितने होना चाहिए। ठीक है, इसमें यह है कि आपके डिप्लोमा में जनरल और OBC कैंडिडेट को 60% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, SC ST को 50% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एज की अगर हम बात करें तो आपकी एज 18 से 25 साल होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज जो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए है, मैक्सिमम एज जो जनरल कैंडिडेट के लिए वो है 25 साल। ठीक है, और SC ST के लिए 5 साल की छूट के साथ जो एज हो जाएगी वो 30 साल, और OBC के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 3 साल की छूट है। ठीक है, तो OBC के लिए मैक्सिमम एज हो जाएगी 28 ईयर्स। ठीक है, SC ST के लिए हो जाएगी 30 साल और जनरल के लिए 25 साल। ठीक है, ये एज है, बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 10 साल 15 साल ऐसे करके जो है वो आपके एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर अपन बात करें तो इसमें आएगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इस पर। ठीक है, जिस पर कि आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा प्लस आपका टेक्निकल जो भी आपने डिप्लोमा में, आपके इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जो आपने पढ़ा है उस वो रहेगा, और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एक कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये रिटन टेस्ट आपके 5 शहरों में होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तथा विशाखापट्टनम। ठीक है, देश के 5 बड़े शहरों में ये रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सैलरी मैंने बता दी, कॉस्ट टू कंपनी 40,000 जो है वो कंपनी को आपके ऊपर खर्चा पड़ेगा पर मंथ का। ठीक है, तो सैलरी वो आप लग लें मिनिमम 25 या 30 से ऊपर तो समझ लें, अगर CTC 40 है पर मंथ का, CTC ये दिया गया, पर ईयर का तो इतना हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और ठीक है, और दूसरी चीज देख लेते हैं इसमें हम, इसमें क्या क्या है और खासियत। ठीक है, और डिटेल्स हम देख लेते हैं। हाँ, एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे भरना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले हमारा वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें हम बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है ताकि आपसे गलती ना हो, और जब आप भरें तो फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो 5 मिनट का छोटा सा वीडियो आप देख लेना जो हम इसके बाद बनाएंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, इसमें फीस की बात करें, जनरल OBC कैंडिडेट को ₹600 की फीस देना है यहाँ पर, और SC ST एंड जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए फीस नहीं लगना है। ठीक है, वो फीस की उन्हें छूट है, कोई फीस नहीं देना, सिर्फ जनरल OBC को ₹600 की जो है फीस देना है। ठीक है, फीस की पेमेंट आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और
और इस पर क्या है, ठीक है। हाँ एक और खास बात यहाँ पे बना दे, जो कि हमारे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है जैसे कि एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है उनको रिटन टेस्ट अटेंड करने के लिए उनका टीए मिलेगा, ठीक है। टीए मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस, ठीक है। जिस शहर में भी वो रिटन टेस्ट देने जाएंगे उनको ट्रेन के टिकट के पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, आने के और जाने के। तो ट्रेन टिकट का भी उनको पैसा मिलेगा, ठीक है, जो एससी एसटी और ओबीसी है। तो उनके लिए आपको कुछ नहीं, एक फॉर्म भरना पड़ेगा और अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट उसकी फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। तो एससी एसटी के लिए मतलब उनको टीए का जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो भी मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स हमने देख ली और उसके बाद हम देख लेते हैं कि फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो है 8 जून 2017, ठीक है। 8 जून 2017 से पहले आपको इस फॉर्म को जो है भर लेना है। लास्ट डेट क्या है, 8 जून 2017, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डिग्री कैंडिडेट है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट ही अलाउ है। जिन्होंने डिग्री की है, इंजीनियरिंग की डिग्री की है, वो अलाउ नहीं है इसमें। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिग्री कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है, जिन्होंने बीई एमई ये सब कर रखी है वो डिप्लोमा की पोस्ट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, बीई और डिग्री वालों के लिए ये पोस्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 8 जून 2017, ठीक है। तो इस फॉर्म को जरूर भर ले। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कैसे भरना है, ठीक है, और इस पोस्ट से संबंधित कौन सी किताब से आपको पढ़ना चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर ही आप अपने ऊपर देखेंगे तो एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट खुल जाएगी ये इस तरह की। उस लिस्ट पर आपको कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, वो किताब आप वहाँ पर जाकर के अमेजन से खरीद लिए वो घर पर आ जाएंगी, ठीक है। तो वो किताबें आप रेफर करें, ठीक है, और पढ़ाई चालू कर दें क्योंकि अच्छी जॉब है ये। डिप्लोमा कैंडिडेट आपके पास केमिकल ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और बॉयलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिग्री कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है, 8 जून 2017 इसकी लास्ट डेट है। ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने दे दी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, ठीक है। फिर से बता दो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारी डिटेल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ठीक है, और हमारे सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं। वहां पर ये प्लेलिस्ट करके ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पर आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो प्लेलिस्ट पर यहां ऑल गवर्नमेंट जॉब्स करके हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें जितनी भी लेटेस्ट जॉब है उससे संबंधित जो भी क्वेरीज है उसके वीडियोस दिए गए हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, जॉब डिटेल से संबंधित सारे वीडियोस दिए गए हैं। तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर ऑल गवर्नमेंट जॉब करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर के आप हमारे सारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।